हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल 4G हरियाणा यूट्यूब चैनल पर। तो भाई, आप लगातार जो है हमारे चैनल पर कमेंट कर रहे थे कि भाई पेटवाड़ और जो बड़ताना गांव का मामला आप सभी को पता है कि चला हुआ है लगभग पिछले 10 दिन से, और आपने भाई बार बार हमारे पास कॉल भी आप कर रहे हो कि भाई क्या रहा, कौन आरोपी है, कौन बेकसूर है, किसको सज़ा मिली है। तो भाई फ़िलहाल की जो ताज़ा अपडेट निकल के सामने आई है, आप सभी को पता है कि वो पेटवाड़ गांव की जो है ममता बेटी थी, और उसकी शादी जो है 2019 में भड़ताना गांव में हुई थी। भाई हमने आपके कहने पर ससुराल पक्ष की भी जो है वीडियो बनाई थी, आपके बार बार कमेंट आए थे वीडियो के नीचे कि भाई जो ससुराल पक्ष है उसको भी दिखाना ज़रूरी है, तो उसको भी हम लोगों ने दिखाया, क्योंकि मीडिया का काम होता है दोनों पक्षों को दिखाना। उसके बाद आपके बहुत सारे कमेंट भी आए भी वीडियो के नीचे, अच्छे अच्छे कमेंट भी आए कि भाई ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, और अलग अलग नंबरों से बहुत सारे फ़ोन कॉल भी हमारे पास आए। उन्होंने हमें बताया भी कि क्या रहा, उन्होंने हमसे पूछा भी लगातार। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए बना रहे हैं भाई। कल परसों मैंने एक दूसरे मीडिया साथी के चैनल पर देखा था कि भाई जो बड़ताना गांव से है ससुराल पक्ष की तरफ से, वहां पर जो गांव पेटवाड़ में जो है पंचायत वगैरह जो है वहां पे गई थी, हालांकि पंचायत के बीच क्या बातचीत हुई है वो उन्होंने अपने चैनल के माध्यम से डाला हुआ भी है कि भाई पंचायत के बीच कुछ बातचीत हुई होगी कि कोई भाई रास्ता निकल जाए, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि भाई गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन व्हाटएवर वो समय की बात है। लेकिन भाई साथ साथ आप सभी को पता है कि कोर्ट केस भी चला हुआ है, और जो ममता का पति था वो आप सभी को पता है कि उसको जो है पुलिस ने उठा भी रखा है। हालांकि अभी तक पुष्टि जो है किसी भी चीज़ की नहीं हो पाई है, कौन आरोपी है, कौन बेकसूर है, ये अभी जांच का विषय है, और जांच जो है कोर्ट कर रहा है। हर चीज़ की जांच पड़ताल होने में आप सभी को पता है कि टाइम लगता है। तो भाई आप बार बार कॉमेंट कर रहे हो, आप इतना प्यार दे रहे हो हमें, इसके लिए आपका तह दिल से धन्यवाद। और आप कॉल भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो भाई कि हरियाणा में ये क्या चल रहा है, आए दिन दहेज के मामले देखने को सामने आते हैं, आए दिन बेटियों की हत्याएं होती हैं। तो बहुत सारी महिलाएं भी हमें, पीड़ित महिलाएं भी कॉल करती हैं कि भैया हमारे साथ भी ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो भाई आप सभी के लिए ये वीडियो बनाना ज़रूरी था, क्योंकि आप भी जो है हमारे चैनल के माध्यम से आप हमारे फैमिली के मेंबर होने के नाते आप सभी को ये जानकारी देना हमारा दैनिक कर्तव्य भी है, क्योंकि आप सभी को बताना ज़रूरी है कि अभी उसमें क्या चला हुआ है। अभी वो है जो है कोर्ट का जांच का विषय बना हुआ है, जितना हमसे था हमने कर दिया, आप लोगों को दिखाना था हम सच या झूठ है ये क्या है, वो हम नहीं बता सकते, वो कोर्ट का फैसला कोर्ट के हिसाब से होगा। फिलहाल ये जो जानकारी थी आपके साथ साझा करनी ज़रूरी थी, इस समय की ये जानकारी जो बता रहे थे वही पंचायत वगैरह वहाँ पे गई थी। तो आगे जो भी अपडेट निकल के आएगी वो आपको बताते रहेंगे, तब तक देखते रहिए 4G हरियाणा यूट्यूब चैनल। जय हरियाणा, जय भाईचारा, सत्यमेव जयते।